प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी कई माह का समय है, मगर पार्टियों ने अपनी सीट कब्जाने के लिए अभी से ही शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल लालकुआ ने नगर में जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी को मजबूती दिलाने की बात कही। साथ ही यूकेडी ने लालकुआ विधानसभा में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर रावत सरकार और स्थानीय विधायक व श्रम मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल को कटघरे में खड़ा किया। यूकेडी के नेता दीपा भट्ट ने खुले तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी अपनी चरम पर पहुंच चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जबकि लालकुआं सीट से वर्तमान विधायक सरकार में श्रम मंत्री भी हैं। ऐसे में यहां बेरोजगारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके बहनों चलो वोट में निकला जाए अपने अधिकारों के लिए। मुझे नहीं पता था कि भीड़ उमड़ेगी करके, सब भीड़ उमड़ी है अपने अधिकारों के लिए, सब बाहर निकल रहे हैं। नारी का अधिकार क्या है, बच्चों के अधिकार क्या है, युवाओं के अधिकार क्या है, इसके लिए हमने मुहिम छेड़ी है। हम लोग देख रहे थे आज एक मातृशक्ति के आने से लालकुआ का तीसरा पक्ष ऐसा मजबूत होते जा रहा है जो बहन दीपा भट्ट जी ने कर दिया है, और मातृशक्ति सब इनके साथ आ चुकी है। और ये दुर्भाग्य की बात ये भी है, यहाँ का मंत्री जो है एक गाय का बछड़ा होता तो वहाँ नामकरण में जाता है, एक महिला अगर हॉस्पिटल में पड़ती है उसके पास नहीं जाता, ये दुर्भाग्य की बात यहाँ का सबसे बड़ा। देवभूमि न्यूज के लिए हल्द्वानी से योगेश दुमका।